नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे, जिस पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए। जब मैंने पीएबी के पास कॉल किया, उनको मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम हो करके फिजिकल की डेट आ गई है और मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर जब मैंने उनको बताना चाहा तो क्या वहाँ से जवाब आया और क्या प्रतिक्रिया रही। साथ में ग्रुप टू सब ग्रुप फोर रिजल्ट से भी संबंधित मैंने बात किया, तो कंप्लीट आप इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश। Thank you for calling Help Desk. Your call will be answered shortly. Thank you. आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। हेलो, हेलो जी, नमस्कार हाँ मैम। जी 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 मैम, मुझे ये जानकारी चाहिए थी, ये पीबी का जो ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का एग्जाम हुआ है उसका अभी जी तक रिजल्ट नहीं आया, 6 महीने हो गए मैम। कब तक रिजल्ट आएगा इन सबका? लॉकडाउन की वजह से डिले हो रहा था रिजल्ट, अब जल्द से जल्द वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। अभी मैम लिखित कोई आदेश नहीं आया लॉकडाउन, है ठीक कि है आप तो बोल दिए लॉकडाउन, तो मैम आपको पता है कि हर एक स्टेट में था। यहाँ दिल्ली कांस्टेबल वगैरह की फिजिकल एग्जाम स्टार्ट हो गए, यहाँ एमपी पुलिस का अभी तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ। होगा एग्जाम डेट अनाउंस, आप वेबसाइट चेक करें, वेबसाइट पे ही अपडेट होगा। वेबसाइट तो 6 महीने से। इसके बाद दोस्तों कॉल कट कर दिया गया। मैंने दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की कि आगे इस मुद्दे पे बात किया जाए, तो किसी भी तरीके से वो कॉल मेरा कनेक्ट नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट निकल कर आता है इसके बारे में, वो मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। लेकिन आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी न्यूज़ निकल कर के आ रही है वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।